ट्रैवलर्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैं देहरादून की धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे देहरादून में हूँ इस टाइम। और हम निकल चुके एक नए सफरनामे पे। इस बार हम जा रहे हैं इंडिया की मोस्ट चैलेंजिंग विंटर ट्रैक पे। गैस करो कहाँ है वो विंटर ट्रैक। वो केदारकंठा संकरी में है। इस बार हमने केदारकंठा का प्लान बनाया। केदारकंठा में एम टू ट्रैवल आर्मी धमाल मचाने वाली है इस बार। और इस बार हमारी ट्रिप पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो हमने दुबई से बुलाया है, जो कि हमारी इस ट्रिप के स्पॉन्सर भी है, वो आए इस ट्रिप पे हमें ज्वाइन करने के लिए। कल वो लैंड हुए देहरादून और इस ट्रिप पे वो हमें ज्वाइन करेंगे कल से, जो कि कल हो चुकी है आज। वो आज ही, मैं अभी थोड़ी देर में उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। उससे पहले आप सोच रहे होगे अभी ये राजस्थान सफरनामा की सीरीज चल रही थी, अचानक से ये केदारकंठा कहाँ से आ गया बीच में। गैस करो क्या हुआ। उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, तो अभी डिटेल में बता नहीं सकता, पर शॉर्ट में बताता हूँ। राजस्थान की ट्रिप जो चल रही थी, बीच में एक हमारे जो वीरेन सर थे उनके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ। उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो हमने एक दिन में ही अपना ट्रिप को सस्पेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद हम सीधा एक दिन में 500 किलोमीटर की राइड करके सीधा अपने घर आ गए। उसके बाद हमारी ट्रिप वहीं पर ख़त्म होगी। फिर उसके बाद हमने सोचा हमारे पास बहुत टाइम बचा है, अब करें क्या। फिर हमने सडनली प्लान बनाया केदारकंठा का। उसके बाद हमने जैसा तैसा करके बुकिंग निकाली और सीधा देहरादून पहुँचे। मुदित ने अभी फ्लाइट करवा के सीधा वो आ गया है। उसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ अपनी पूरी एम टू ट्रैवल आर्मी से। तो गाइस आपको मुदित के दर्शन करवाते हैं। मुदित जी आइए, एम टू ट्रैवलर्स। और क्या हाल है योगेश भाई? ये लॉर्ड अब आखिर आ ही गया इंडिया 2 साल बाद। इसको हमने बुला के रखा केदारकंठा ट्रिप के लिए, तो जो कि हमारी ड्रीम ट्रिप थी, ड्रीम ट्रैक था। अब बाकी मुदित बताइए कैसे आइए आए हैं। अब ये जो मिस्ट्री है ना आने वाली, बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल है। इन लोगों ने, भाई लोगों का प्यार है जो मुझे दुबई से यहाँ खींच लाया है, और बहुत दिनों से मैं इनके साथ ट्रैक पे आया भी नहीं था। तो 2 साल बाद फाइनली कोविड के बाद मैं अब आ चुका हूँ देहरादून अपने दोस्त के साथ मुकेश, और आपके एम टू ट्रैवलर आर्मी जो है अभी आपको उनसे मिलवाते हैं हम लोग। हमने अभी सडनली डिस्कस किया है और फाइनल किया है कि अब हम जा रहे हैं केदारकंठा ट्रैक, जो कि संकरी के पास पड़ता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा विंटर ट्रैक के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस ट्रैक है ये, इसलिए फाइनली हम लोग अब वहाँ जा रहे हैं। और आज हम स्टे कर रहे हैं देहरादून में रेलवे स्टेशन रोड के पास। सुबह हम लोगों का प्लान है संकरी निकलने का, और फाइनली हम लोग सुबह संकरी निकल जाएंगे 6 बजे। तो आपको मिलवाता हूँ बाकी की अपनी टीम से। और एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, जो हम रुके हैं अतिथि नाम का होटल है, जो कि बहुत ही अच्छा होटल है, रूम भी काफ़ी बड़े हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ आप भी आओ तो यहीं पर रुको, बहुत अच्छा होटल है, स्टाफ भी बहुत कूल एंड काम है, बहुत सपोर्टिव है। देन उसके बाद अभी जो इस बार की ट्रिप होने वाली है, कतई बहुत जहर कतई जहर मचा देंगे इस बार, फैला देंगे। और जो है एक हमारा जो खुरापाती लौंडा है उससे मिलवाता हूँ, मिस्टर छोटू उफ रणधीर आइए, जो हैदराबाद से आ जाते हैं हमारे खुरापाती बचाने के लिए। छोटू भाई बताइए। ये बात तो है खैर, और हम आते ही हैं इसी बात के लिए कि कुछ धमाल मचाएं आपके लिए, कुछ नहीं नहीं धमाल ले, खुरापाती माइंडेन का खुरापाती भाई, खुरापाती लेके आए आपके लिए, और ऐसे ही आपको आपका हमारे वीडियो पर प्यार मिलता रहे। इसी बात पे क्या करना है तुमको, पता ही है जो ये बगल में दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कर दो।